ठीक है। अब जो शॉर्ट क्विज बाकी है उसको आप लोग एक एक करके पूछिए और मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप हो गया था कल, इंसर्ट। चलिए, इंसर्ट के पहले हमें ब्लॉक बनाना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है? ब्लॉक या राइट ब्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक किसको बनाएंगे हम लोग? सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, है? इसको हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक बना लें। क्या करना है? ब्लॉक बना लें। तो बी इंटर करेंगे, ठीक है, इसके बाद ब्लॉक का नाम दे देंगे। क्या नाम देते हैं? वो गोपालगंज ब्लॉक नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिसको ब्लॉक बनाना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिक पॉइंट कहीं एक जगह क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और हम लोग ओके कर देते हैं। क्या करते हैं? ओके, हो गया हमारे पास ये ब्लॉक अवेलेबल हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक अवेलेबल। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट आई से होता है, किससे होता है? अब शो कर रहा है ना, हाँ, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी अब ला करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है? एक बार आपको ब्लॉक बनाने की ज़रूरत है, जितनी बार चाहे आप इंसर्ट सकते, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्या पड़ने वाली है? बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, हम इस बार क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। तो बी इंटर, ठीक है, ब्लॉक का नाम दे दिया हमने विंडो। क्या दे दिया? कुछ ऐसी चीज बना देते हैं जो लगता है कि बाद में हमसे नहीं बनेगा, कठिन होगा या मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ब्लॉक के रूप में। ब्लॉक नेम दिया आपने, उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। क्या करना है? हो गया, जो जो चीज इस ब्लॉक का पार्ट है पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, इंटर कर देंगे। हैं, अब चूंकि एक बेस पॉइंट बनना चाहिए इसका, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, पीक पॉइंट कर लेंगे। और पीक पॉइंट इसलिए किया जाता है कि हम उसको प्लेस करें, कहीं भी रखना चाहे तो। मान लीजिए हम सेंटर को ही पीक पॉइंट ले लेते हैं इसका, ये रहा सेंटर है, इसी को पीक पॉइंट ले लेते हैं कि कहीं बिठाएंगे तो इसी हिसाब से बिठाएंगे, हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। क्या करते हैं? हो गया जी। अब इंसर्ट एक कमांड होता है जी। इंसर्ट मतलब किसी चीज को डालना, ला करके दो चीजों के बीच में। अब सपोज यही ब्लॉक हमें चाहिए, यहाँ पे कहाँ चाहिए, यहाँ पे सेंटर लाइन इसका ले लिया आप, एल इंटर कमांड, हमने एल दबाया नहीं, हैच ना, जे है ये, एल इधर, ये दिक्कत होता है, मिड पॉइंट ले लिया हमने जी, आ? जी। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट, ओके। अब चूंकि हमने पीक पॉइंट लिया था मिड पॉइंट, तो हमारे लिए कितना आसान है जी। हम आके सीधे अब हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। इसकी कॉपी आप करते रह जाते, ठीक है, बैठता भी नहीं करना पड़ा। अब सपोज आपको सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ, सपोज आपको यही चीज इधर चाहिए, ठीक है, तो इसका सेंटर लाइन मिलेगा ना ये, हैं जी जी, इसका तो एम आई किया, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट हुआ, ये रहा जी। कितना इजी है, इस तरह से आप
अब मान लीजिए इसकी जरूरत नहीं है, चाहे इसको यहाँ खिसका लेना है तो उसको वहां खिसका लीजिएगा, ये तो प्रॉपर जगह पे पड़ा है। जी जी, हाँ ठीक है। तो आप लोग ट्रिक सिखा जाता है, क्या सिखा जाता है? ट्रिक सिखा जाता है। मैनुअल आप हर चीज को लाइन से जब खींचने लगेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। जी जी। अब आपने एक चीज बनाया है उसको स्केल करके छोटा भी कर लेंगे बड़ा, जैसे हमें मालूम है कि यहाँ छोटा चाहिए, क्या चाहिए? छोटा चाहिए, छोटा चाहिए। तो हम ये तो डायमेंशन में पता है ना इसका कितना है, तो हमने मूव कर लिया इसे, क्या किया? मूव करके आपने यहाँ प्लेस कर लिया। हाँ, अब लगता है कि स्केल छोटा करना है तो एस सी इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, 0.75 कितना? 0.75 का मतलब पॉन का हो गया, कितने का हो गया? पॉन का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हो गया, अब यहाँ पे लगता है कि ये आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये तो मालूम है कि एक्सप्लोड कर देंगे, क्या कर देंगे? एक्सप्लोड कर देंगे और ये लाइन हमारा बढ़ जाएगा आगे, एक्सटेंड से भी बढ़ जाएगा, ठीक है, या खींच के ड्रैग कर देंगे। ई एक्स डबल इंटर हो गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्या एल मैंने एल फिर क्यों एल भाई, टुकड़े टुकड़े एक ही चीज में तीन टुकड़े करोगे, ठीक है, आपका ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो बना, क्या बना? एल करोगे तो एक टुकड़ा यहाँ रहा, एक टुकड़ा वहाँ, फिर बाद में थ्री डी करोगे तो आपका बैंड बच जाएगा, लाइनों को जोड़ते जोड़ते आप थक जाओगे। ठीक है, आपके लिए आसान, आप कर सकते हो, ये किसने बताया? लाइन मैंने बताया है ना, और यही मैं बता रहा हूँ। तो आर्गुमेंट क्यों? लाइन तो मैं बता चुका हूं, अब उससे हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों क्यों पीछे ही रहना चाहते हो? लाइन पे छोड़ दिया जाए, जिंदगी भर लाइन खींचो? ये इंटेलिजेंसी नहीं होती है, इसको ग्रहपन कहते हैं हम अपने, मतलब निरा क्या कहते हैं, हम उसको फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, वो जा रहा है बैकवर्ड, लाइन से भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे लाइन से भाई, जब हम उसे इजी कमांड जानते हैं। तुम्हें पता है कि लाइन बाद में कितनी ट्रक स्लिप देने वाला है? हर चीज पोली लाइन से बनेगा, तब जाके थ्री डी बनेगा। हर चीज पोली लाइन से बनेगा, यानी सारी चीजें कनेक्टेड होंगी, तब जाके वो थ्री डी में कन्वर्ट होता है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, थ्री डी में कन्वर्ट के ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करना पड़ेगा। यानी ये अगर थ्री डी बनाना होगा तो यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, नीचे वाला लाइन खत्म, उसका यूज नहीं है, वो जो ऊपर रेक्टेंगल होगा वही एक्सट्रूड हो पाएगा, वही प्रेस पुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये शुरुआत होती है फाउंडेशन की, यहां से अब आपका काम, ये भी जो बन गया ना ये थ्री डी हो जाएगा, इसी को एक्सट्रूड मारेंगे, यहां से जोड़ करके इसको मिला लेंगे और एक्सट्रूड मारेंगे तो छज्जा निकल जाएगा, यानी अलग से आपको अब थ्री डी में छज्जा सोचने की जरूरत नहीं है, ये टू डी ही आपके आगे काम आना है, ये जो लाइनें हैं यही जाके फिर काम करेंगी विंडो में भी, ठीक है। तो जो चीज फाउंडेशन डल रहा है वो आगे के लिए डल रहा है, ठीक है। अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर के, कि कैसे जल्दी करेंगे, क्विकली करेंगे और कम समय में करेंगे। मैंने ये कॉपी से फास्ट वर्जन है, सबसे जरूरी है ये समझना कि कंपनी आपसे स्पीड पूछेगी और एक्यूरेसी जानेगी। जी जी, ठीक है। एक लाइन कमांड सीख के भी भागते हैं लोग और कहीं उनको गुजारा नहीं होता है, ठीक है, फिर लौट के आते हैं और कैसे बोलेंगे, ए सर फलाना चीज तो आप बताए ही नहीं, हम बेटा तुम भागने वालों में से हो गए तभी नहीं बताए हैं, क्योंकि हम तो चुन चुन के हर चीज़ बताते हैं, तुम बहुत जल्दी भागे होगे, ठीक है, और पैसा लेकर के भागे होगे, सीधी सी बात है, पहला पहचानी है, और दूसरा कहीं और से किया है लेकिन तुम्हारा दोस्त है तो तुमसे फोन करेगा तो तुमको उतनी हाई लेवल का चीज़ नहीं आता है, तो तुम कहोगे कि मेरे सर से पूछो और बोल देना कि आपके यहाँ से कोर्स किए थे, तो वो कैसे बोलेगा, ए सर आपने ये नहीं बताया, हाँ देखिए कितना जरूरत पड़ रहा है हमको, हम फंस गए, हम बताइए आपके यहाँ कोर्स करके हम, वो नहीं जानता है कि हमसे स्टोर में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे स्टूडेंट हमारे क्या बन जाते हैं, बिल्कुल शागिर्द बन जाते हैं, उस तरह के नहीं, एटीट्यूड वाला नहीं रहता, वो बिल्कुल हम में मिल जाते हैं,
हम लोग रिस्पेक्ट मैंने क्या होता है ऑटोमेटिक आता है, तो जब उसकी बात में रिस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो मैं कहूँ क्या नाम है, कुछ नाम बताएगा, ठीक है बेटा नाम तो लगभग सबका, किसी का अफ्ताब है, किसी का असलम है, सबका मिलता जुलता है, ठीक है इतना तो याद नहीं रखता हूँ, लेकिन जो हमारा टोन जो बता रहा है ना तू मेरे स्टूडेंट नहीं कहता छोड़िए सर बता दीजिए वो फलाना लड़का दिया था नंबर आपका, तो मैंने कहा यही बोलो ना कि मैं उनका दोस्त हूँ, ठीक है सही बात बताओ, स्टाइल मत मारो, फ्रॉड फ्रॉड बात नहीं, ठीक है जी जी हाँ। अगर मेरा नहीं करना इसी को और मल्टीपल उसमें करना हो तो अब आते हैं, मल्टीपल का मतलब या तो कॉपी कर लें या इंसर्ट में ही मल्टीपल इंसर्ट का ऑप्शन है, क्या है इंसर्ट के बाद मल्टीपल इंसर्ट का ऑप्शन है, क्या है है ना एम इंसर्ट आने वाले हैं हम यहाँ पर, तो एम इंसर्ट ठीक है। अब इसमें क्या है विंडो है जी, इस विंडो को हमको इंसर्ट पॉइंट कहाँ से करना है, सपोज ये दिखा रहा है यहाँ कर रहा है ठीक है, हमने क्लिक कर दिया, बढ़ाना घटाना नहीं है, स्केल कुछ नहीं करना है, वाई में भी स्केल नहीं करना है, रोटेट भी नहीं करना है, ठीक है नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, ठीक है रो क्या होता है ऐसे जी, सपोज नंबर ऑफ रो आपको चार चाहिए हाँ ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम आपको नहीं चाहिए जी, ठीक है अब डिस्टेंस बिटवीन रोज, अब इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस अगर ये हमने लिया था कितना का था, ये पांच फीट का था, पांच फीट का ठीक है, तो एक छः यानी तीन तीन फीट का सेंटर से अगर ले रहे हैं तो तीन फीट इधर हुआ जी जी। तो हम अगला डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अगला डिस्टेंस कितने पे है जी। अगला डिस्टेंस कितने पे है, सपोज हमने तीन फीट और जोड़ लिया छः फीट ले लिया, कितना ले लिया छः फीट, अब छः फीट पे क्या हुआ कि ये इसी के ऊपर बन गया, क्या बन गया इसी के ऊपर, यानी हमें डिस्टेंस और बढ़ाना है, क्या करना है एम इंसर्ट विंडो ठीक है, क्लिक करके आगे कुछ नहीं लेना है, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट कर दिया जी, कुछ नहीं करना है आगे बढ़ते जाना है, रोटेशन बढ़ते जाना है, इन नंबर ऑफ रोज आपने ले लिए फोर ले लिए ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम नहीं लिया है, डिस्टेंस बिटवीन रो आपने ले लिया 12 फीट, कितना ले लिया 12 फीट ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्या है डी एल आई ये रहा, इस बेस पॉइंट से इस पॉइंट बेस पॉइंट की दूरी कितनी है 12 फीट है, तो हमेशा जो एंड पॉइंट होगा उसको लीजिएगा और बाकी गैप जो है जोड़ लीजिएगा, इसका लंबाई जोड़ लीजिएगा और जितना गैप देना है उसको जोड़ लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका बिछ जाएगा आपको कुछ अच्छा ठीक है बन भी गया, बन गया तो आप क्या कीजिए कि एक्सप्लोड कर लीजिए, क्या करेंगे एक्सप्लोड कर लेंगे ठीक है और ले जा करके लगा देंगे, या लंबाई एग्जैक्ट जोड़ना आता है परफेक्ट आपने जोड़ लिया इस विंडो की लंबाई और प्लस जो गैप देना है, गैप देने के बाद कहाँ बैठेगा मैंने यहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं ठीक है ये जोड़ लीजिएगा, तो एक ही बार में एरे हो गया, अब वही कॉलम दिए होते रो तो दिए हैं कॉलम दिए होते तो ये लाइन और एक दो तीन चार ऐसे करके बिछ जाए, मान लीजिए सर ये हम बना रहे हैं ठीक है, तो इसे मैंने इसे तो अच्छा है कि जैसे आप पहली बार नहीं ये इसके लिए थोड़े बना है हाँ। ये तो इन्होंने पूछा तो बता हाँ। दिया, ये ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ पे बिछाना होगा जी, हो सकता है रेक्टेंगल हो उसका आप ब्लॉक बना के दिखाना है जी, जी, जी। तो एक साथ कितने सारे ब्लॉक बन जाएंगे पूरे रूम में फैल जाएगा, कुछ भी कहीं भी जरूरत पड़ सकता है इसमें न हो करके जिसका आप यूज कर सकते हैं ठीक है जी, क्लियर है, ये चूंकि इसी ऑब्जेक्ट पे हमने क्वेश्चन राइज हुआ तो इसी ऑब्जेक्ट पे हमने शो कर दिया, अब हमारा सेंस प्रिवेल होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको ये पता चलना चाहिए कि इस कमांड का यूज करेंगे कहाँ ठीक है, अरे उसको कॉपी भी कर सकते हैं, अरे एरे क्यों नहीं कर दें
कॉपी कर रहे हैं ना, अब सोचेंगे एरर क्यों नहीं करते, जल्दी हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस पे होगा, ऐसे बार बार हम अंदाजे से कहाँ क्लिक करते रहेंगे। ठीक है, इस रूम में मालूम है कि इस रूम में भरना है, क्या करना है, इस रूम में भरना है बॉक्स भर जी, जी हैं, तो सेलेक्ट करेंगे और रो एंड कॉलम बिछा देंगे। जैसे आपने एक रेक्टेंगल ले लिया आर ई सी एट द रेट 2 फीट कॉमा 2 फीट, दो नहीं एट द रेट नहीं है वो, इसलिए नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा टू के पास है वही है, चूँकि हमको सच में बिल्कुल नहीं दिखता है और ऊपर से जाली लग जाता है तो और नहीं दिखता है, वही है। हाँ एट द रेट 2 फीट बाई 2 फीट का चिन्ह कौन सा, ये है हाँ, कॉमा नहीं है, फीट में वो नहीं, ये है हाँ ठीक है, कॉमा 2 फीट इंटर जी बन गया है जी। अब आप चाहते हैं कि अब इसमें गैप दिखाने के लिए 2 फीट का क्या किया लिया जाएगा, 2 2 4 लिया जाएगा जी। क्या लिया जाएगा, 2 2 4। तो अब आपने क्या किया, एरे किया, इंसर्ट एम इंसर्ट कर रहे थे ना हम लोग, तो पहले इसको ब्लॉक बना लें जी, ब्लॉक बी है, कुछ भी नाम रख दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है। अब क्या करते हैं, स्पेसिफाई पिक पॉइंट बेस पॉइंट से ले लेते हैं कोई जी, हो गया जी, ओके कर लिया ठीक है जी, इंसर्ट दिखा रहा है जी आगे। अब आप करते हैं क्या, मल्टीपल इंसर्ट क्या करते हैं, पहले कर लें हो गया, अब एक बार इंसर्ट हो गया तो दिखाने लगा तो अब मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे हो गया जी, बी इंटर जी ठीक है, अब क्या करेंगे कहीं क्लिक कर देंगे हो गया, इंटर इंटर एंगल नहीं लेंगे, नंबर ऑफ रो लेते हैं 5, नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं 5 जी ठीक है, डिस्टेंस 4 फीट का रख लेते हैं, कितने का 4 फीट का, इसमें भी 4 फीट का रख लेते हैं जी, कितना अच्छा बिछ गया, इसको बराबर में बिछाने में आपकी हालत खराब हो जाती ठीक है, सिमिलर डिस्टेंस है सब में, क्लियर है, आ रहा है समझ में, आप माप करके देखेंगे तो पता चलेगा कि डी एल आई इसका डिस्टेंस 2 फीट है और गैप भी 2 फीट का है, कितने का है, गैप भी 2 फीट का, दोनों तरफ से कितने, कहाँ से, वहाँ से लगे यहाँ तक, ये भी 2 फीट का है, इधर से भी देखेंगे तो चारों बगल से, हाँ तो हमने जो रो एंड कॉलम में जो गैप लिया है वो 2 2 फीट का लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब ये आपकी आपका ये सेंस है कि आप इस कमांड को कब यूज कर रहे हो, कल कब लगता है आपको कि हाँ ये तो काफी आसान हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, हम लोग हर चीज को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आसान करने की कोशिश करेंगे जी, तभी तो आपसे देखा जाएगा कि अरे तो बड़ा जल्दी काम करता है लड़का ठीक है, नहीं तो लाइन से सब करते रहिए ना, जिंदगी भर लाइन से करते रहिए, प्रॉब्लम आप लोगों में और बाकी लड़कों में प्रॉब्लम इसी चीज का ना आता है जी। आप लोग सुपीरियर कहलाते हो, आईएफटी के प्रोडक्ट है भाई, तो सुपीरियर इसलिए कहलाते हो कि हाँ आप कुछ ऐसी चीजें जानते हो जो अगला नहीं जानता, इसलिए आप सुपीरियर हो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती लाइन से तो सब बनता ही है, आपको ऑफसेट कमांड नहीं बताते तो लाइन से पूरा प्रोजेक्ट बनाते और कितना घंटे में बनाते, ठीक है, तो ट्रिक कोई किताब में नहीं लिखा है, ट्रिक जैसे जैसे आप डेवलप करते हो नए नए ट्रिक निकालते हो, अब जैसे वही बताया था कि मान लीजिए वो पूरा लाइन है और 2 रूम है, तो अब लाइन कमांड से तो अब हम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा बीच में मिड पॉइंट आएगा और वो ट्रिम कर देने पे हमको जहाँ से चाहिए वहाँ से आता है, तो एक आसान तरीका हो गया ना ठीक है, वो किसी बुक में नहीं लिखा है, आपकी मैच्योरिटी ये चीजें सर्च करती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम आसान हो जाए ठीक है। चलिए आगे कमांड, मल्टीपल इंसर्ट हो गया जी, अब राइट ब्लॉक, राइट ब्लॉक और ब्लॉक लगभग सेम है, क्या है सेम है, जैसे इसी चीज को हम लोग राइट ब्लॉक करते हैं, तो राइट ब्लॉक से फायदा क्या है,
कि हमें पता होता है कि कहाँ लोकेशन है, क्या है लोकेशन उस चीज का, कहाँ है। चलिए एक रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं, ठीक है जी। इसका डायमेंशन देना जरूरी है क्योंकि चाहे, चलिए डायमेंशन वाला तो देख ही चुके हैं, ठीक है। इसको W ब्लॉक करते हैं, W बी जी। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, सब कुछ वही है, लोकेशन केवल ये लेना है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर दिया, पिक पॉइंट, इसको बेस पॉइंट बना देते हैं। हाँ, अब ये कहता है कि कहाँ पे सेव कर रहे हैं आप, कहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में, हम डॉक्यूमेंट के बजाय डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप। और छोटा अक्षर कोई ले लेते हैं, W ले लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, ये ब्लॉक तैयार है, क्या है, फिर इंसर्ट करेंगे तो अब इस ब्लॉक को लाना है, तो पुराना वाला ब्लॉक दिखा रहा है जी। अब इस ब्लॉक को लाने के लिए ब्राउज में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, W वाला जो नीचे है, एक बार ये यूज हो गया तो अगली बार यही दिखाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ब्लॉक अपने आप हाईलाइट होता है, इसको हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें ब्लॉक के रूप में एक लोकेशन में सेव कर सकते हैं और जब जब जरूरत पड़ेगा इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, बड़े मजेदार बात है रेफरेंस एडिट। अब आप चाहते हैं कि हम इसमें कुछ जोड़ें, आपके पास गल्फ से जब भी कोई ड्राइंग आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो सब एक साथ जुड़ा होगा जी, क्या होगा वो, तो आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे जी, कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी को पूरे को ब्लॉक में कन्वर्ट करके वो आपको दे देगा लो, क्या कर देगा लो, बी इंटर प्लान, कौन है जो आते हैं सर, है ठीक है। अब आपने पीक पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लिया, ठीक है जी, ओके कर लेते हैं, ये आपका ब्लॉक कन्वर्ट हो गया है। अब इस ब्लॉक को आप लोगों ने क्या किया, इंसर्ट कर लिया, क्या कर लिया, इंसर्ट किया, ओके जी। अब इसमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, तो अभी तो लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे आप जी। ऐसे प्लान ही आपको मिलेंगे जी। या बदमाशी से भी होता है, जो पहला वाला जाएगा ना तो आपकी बैंड बजा के जाएगा कि नए वाले आए तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या होने वाला, टेलीफोन आए उसके पास दो चार रिक्वेस्ट लोग करें, ठीक है। एक ये चीज है और दूसरा मैं अभी बताऊंगा कि एक तो लेयर में काम कांड करता है लो, जो बताया है ब्लॉक वहाँ फ्रीज ले ये सब करके चढ़ जाता है लो, ठीक है। उनको मैंने बहुत ज्यादा घोड़ा खोलेगा तो वो काम करेगा लो, दूसरा इसको क्या कर देगा लो, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा लो। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस एडिट कमांड देते हैं, क्या देते हैं, ठीक है, और इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब प्लान है, इतने सारे ब्लॉक बने हैं तो ब्लॉक चुन भी सकते थे, उधर काम विंडो पे काम करना होता तो विंडो सेलेक्ट करते और नहीं तो इसको सेलेक्ट करते, ओके। अब क्या हो गया, ये ओपन हो गया रास्ता, क्या हो गया, आप कोई चीज इसमें से डिलीट करना चाहते हैं कि ये हटा दें और इस तरह का इसमें लगा दें, क्या कर दें, MI इंटर मूव ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा स्केल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्केल करना, थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है, स्केल कीजिए, चाहे इसी को पीछे कर लीजिए क्योंकि साइज तो सबका एक होना चाहिए, हाँ हो गया, हाँ जी।
TR डबल इंटर जूम बहुत जरूरी है। जूम क्या करता है कि चीजों को बहुत क्लोजली फॉलो कराता है। तो अब ये रेफरेंस एडिट था, क्या था? रेफरेंस एडिट था, और रेफरेंस एडिट में जो भी चेंजेस किया आपने, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेव चेंजेस, क्या करना है, सेव चेंजेस करेंगे, ओके करेंगे, अब ये चीज हो गया परमानेंट, फिक्स हो गया, आपका एडिट भी हो गया और चीज बदल भी गया है। तो रेफरेंस एडिट क्या करता है, किसी भी ब्लॉक को अगर उसमें कुछ कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो ब्लॉक में जैसे ये बना है, अब इसमें एक सर्कल चाहिए आपको, क्या चाहिए, तो आप रेफ एडिट इंटर क्लिक किया, ठीक है, ओके किया, ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं आप, क्या करते हैं, हो गया जी। अब यहां पे क्या करेंगे, एडिट रेफरेंस में जाएंगे, सेव चेंजेस, क्या करेंगे, पहले तो प्लस करेंगे, ये प्लस हुआ है, क्या हुआ है, प्लस हुआ है, उसके बाद सेव चेंजेस, ओके, एक बार में सब में एक ही चीज आ गया, ठीक है। अब आप सवाल उठता है कि फिर आप चाहते हैं कि अभी तो जोड़ने वाली चीज, अब घटाने वाली बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हटाने वाली। तो अब अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हटा देना है, सपोज इसको हटा दिया आपने, है, फिर आप गए रेफरेंस एडिट में, इसमें माइनस का ऑप्शन है, रिमूव वर्किंग सेट से और सेव चेंजेस, ओके, तो रेफरेंस एडिट कमाल की चीज है कि नहीं, और सबके बस का भी नहीं है, ठीक है, मारिए यहां टिक मारिए, डिजाइन सेंटर, ठीक है। अब आते हैं डिजाइन सेंटर, क्या कहां पे आते हैं, डिजाइन सेंटर मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताया भी बात डिजाइन सेंटर, लेकिन ये जो रेफरेंस एडिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने हुआ है, इंसर्ट, मल्टीपल इंसर्ट, राइट ब्लॉक, रेफरेंस एडिट, ये कर लीजिए एक बार प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि जल्दी भूलेंगे आप, इसमें स्टेप बहुत है।